छपरा में आज भाजपा नेताओं के द्वारा धिक्कार मार्च का आयोजन कर विरोध मार्च किया गया। वहीं बिहार में चल रही चाचा भतीजे की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। डीएम कार्यालय में सैकड़ों भाजपा नेताओं ने जाकर अपना ज्ञापन सौंपा। आज भाजपा के नेताओं के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ धिक्कार मार्च निकाला गया, जिसमें भाजपा के सैकड़ों नेताओं के द्वारा शहर में विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं जिले के भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दिनों 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों की मांगों को रखते हुए उन्होंने आगे कहा कि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं कर सके। वहीं आपको बता दें कि धिक्कार मार्च का मुख्य उद्देश्य वित्त रहित शिक्षा के समाप्त होने और बढ़ते अपराध के खिलाफ किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। छपरा ब्यूरो मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। गली गली में शोर है, चाचा भतीजा चोर है। गली गली में शोर है, चाचा भतीजा चोर है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद। लूट हरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आनंदी सरकार होश ले आओ, होश ले आओ, होश ले आओ। सरकार होश ले आओ, होश ले आओ, होश ले आओ। आज नीतीश सरकार के खिलाफ है। पिछले दिनों लाठीचार्ज जो 13 जुलाई को हुआ था, उसके खिलाफ शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जिनको राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, तो इसके समर्थन में और वित्त रहित शिक्षा को जो नीतीश सरकार ने समाप्त कर दिया है उसके विरोध में और बढ़ते अपराध के खिलाफ हम लोग आज युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पूरे बिहार के अंदर हर जिला मुख्यालय पर धिक्कार दिवस मना रहे। 10 लाख नौकरी की भी बात, बिल्कुल 10 लाख नौकरी उन्होंने कहा था नीतीश जी ने कि 10 लाख नौकरी पहली कलम पहली बैठक। हम लोग इस धरना के और इस जुलूस के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उनकी पहली कैबिनेट अब कब आने वाली, जब वो सत्ता से विधत्तल हो जाएंगे तब उनकी पहली बैठक होगी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।